बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लेक। नाज़रीन, एक बहुत ही बुरी ख़बर से आप लोगों को आगाह करें कि श्रीलंका में जुल्म की इंतहा हो गई। मुसलमान औरतों के हिजाब करने पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ दीनी मदारिस पर भी पाबंदी का ऐलान किया गया है। अवामी सलामती के वज़ीर सरहत ने हफ्ते को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने कौमी सलामती की बुनियाद पर मुसलमान खवातीन के चेहरा छुपाने पर पाबंदी आयद करने के लिए जुम्मे को एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए, जिसे काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे इब्तदाई दिनों में मुसलमान खवातीन और लड़कियाँ हिजाब करती थीं। यह उस मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत है जो हाल ही में सामने आई। हम इस पर ज़रूर पाबंदी आयद करेंगे। श्रीलंका में मजहब शिद्दत पसंदों के होटलों और गिरजाघरों पर हम हमलों में 250 जायद हलाकतों के बाद 2019 में हिजाब पर आवजी पाबंदी लगाई गई थी। बाद हज़ार इसी साल सिक्योरिटी दिफा के तौर पर दहाइयों से जारी खाना जंगी को कुचलने वाले गोताबाया राजा इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन के वादे पर सदर मुंतखब हुए। अब किताबों की जगह बुक के तकसीम होंगे। नाज़रीन, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस जुल्म के पीछे की वजह क्या हो सकती है और इस जुल्म को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी अगली वीडियो आने तक नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।